भारत के इतिहास में मौर्य शासकों का काल सुवर्ण काल कहा जाता है और इसी काल में भारत को एक संघ करने की कोशिश की गई। देखते हैं मौर्य काल कहां से कहां तक रहा और किन शासकों मौर्य शासकों ने शासन किया। मौर्य शासन काल का क्रम इस प्रकार है। चंद्रगुप्त मौर्य ईसा पूर्व 322 से 398 24 वर्ष तक शासन किया। मौर्य वंश के दूसरे शासक थे बिंदुसार, 298 से 271 ईसा पूर्व शासन किया जो 28 साल तक चला। इसके बाद सम्राट अशोक 271 से 232 ईसा पूर्व 39 वर्ष इनका शासन चला। कुणाल 232 से 228 ईसा पूर्व 4 वर्ष का शासन काल रहा। इसके बाद दशरथ 228 से 224 ईसा पूर्व इनका शासन 4 वर्ष चला। इसके उपरांत संप्रति ने शासन संभाला 224 से 215 ईसा पूर्व यानी 9 वर्षों का शासन। इसके बाद शालिसुक 215 से 202 ईसा पूर्व 13 वर्ष का शासन रहा। देववर्मन 202 से 195 ईसा पूर्व यानी 7 वर्ष का शासन। शतधन्वन 195 से 187 ईसा पूर्व तक यानी 8 वर्ष का शासन। और आखिरी में बृहद्दत 187 से 185 ईसा पूर्व यानी केवल 2 वर्ष का शासन इन्होंने किया। मौर्य साम्राज्य के पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 322 से 298 ईसा पूर्व तक पूरे 24 वर्ष तक का शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात था तथा विंध्य और कश्मीर के भूभाग उसमें सम्मिलित थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत किया था। मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे बिंदुसार, जिन्होंने 298 से 273 ईसा पूर्व यानी 25 वर्षों तक भारत पर शासन किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य और महारानी दुर्धरा के पुत्र थे। बिंदुसार का जन्म शल्य चिकित्सा के द्वारा हुआ था। उसी शल्य चिकित्सा के दौरान बिंदुसार के माथे पर चोट के कारण एक बिंदु का निशान बन गया था, जिसके बाद उनका नाम बिंदुसार पड़ा था। बिंदुसार की कुल 16 पटरानियां थी, जिसमें चारुमित्रा और शुभद्रांगी प्रमुख थी, जिनसे कुल 101 पुत्र का उल्लेख मिलता है, जिसमें सुषीम, अशोक और तिश्य प्रमुख थे। कुछ पुस्तकों के अंतर्गत दक्षिण में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का श्रेय भी बिंदुसार को गया है। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान राजा अशोक के पिता थे। यूनानी लेखक ने इन्हें अमिचेलेटस कहा है। बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। कई इतिहासकारों द्वारा इनको अजातशत्रु भी कहा गया है, जिसका अर्थ जिसका कोई शत्रु ना हो। कई इतिहासकारों ने उन्हें वरिसार नाम भी दिया है। यह 298 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे थे। थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार बौद्ध धम्म के अनुयायी थे। बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध अच्छा था। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिनका दमन करने के लिए पहली बार सुषीम और दूसरी बार अशोक को भेजा गया। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता का ही अनुसरण किया। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खलाटक था। बिंदुसार ने लगभग 25 वर्षों तक राज किया और अंततः 273 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। मौर्य साम्राज्य के तीसरे और महान सम्राट थे प्रियदर्शी सम्राट अशोक, जिन्होंने 271 से 232 ईसा पूर्व तक पूरे 39 वर्ष धम्मानुसार शासन किया। सम्राट अशोक बिंदुसार और शुभद्रांगी के पुत्र थे। शुभद्रांगी को धर्मा या जनपद कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। वह दक्षिण पूर्व एशिया के प्राचीन राज्य चंपा की रहने वाली थी। वह अद्वितीय सुंदरी थी
उसके रूप और सौभाग्य ने उसे समृद्धि तक पहुंचा दिया था। एक दिन धर्मा को स्वप्न आया कि उसका पुत्र सम्राट बनेगा, तो उसने यह बात अपने पिता के माध्यम से बिंदुसार को बताई। पहले तो बिंदुसार ने सुभद्रांगी की सुंदरता देखने के बाद उसे पटरानी बना लिया। चूंकि वो निचली जाति की थी, इसलिए महल में उसके साथ सबका व्यवहार अत्यंत सीमित था। तिश्य और अशोक सदोहर भाई थे, जिनमें तिश्य अशोक से छोटा था। अशोक अपनी माँ सुभद्रांगी को अनंत प्यार करता था। सुभद्रांगी अशोक को कहा करती थी, बेटा तुम ही एक दिन इस मगध का सम्राट बनोगे। कहा जाता है कि अशोक बिंदुसार के कुल 101 पुत्रों में सभी कलाओं में निपुण था, परंतु अशोक अपने सभी भाई जितने सुंदर नहीं थे, इसलिए सम्राट बिंदुसार उसे राजा नहीं बनाना चाहते थे। मगर अपने राजकुमार के दिनों में उज्जैन तथा तक्षशिला के विद्रोह को उन्होंने दबा दिया था। उस समय वहां का शासन राजकुमार सुशिम देख रहे थे, जो अशोक के सौतेले बड़े भाई थे। सुशिम का प्रशासन सही नहीं होने और बिंदुसार के रुग्र रहने के कारण कुछ जगहों से विद्रोह होने शुरू हो गए थे। बिंदुसार की आज्ञा से अशोक ने बड़ी निर्दयतापूर्वक उन विद्रोह को दबा दिया। सुशिम के कहने पर बिंदुसार द्वारा अशोक को बहुत समय तक निर्वासन में भी रखा गया। कहा जाता है कि इसी समय के दौरान अशोक के सौतेले भाइयों ने उनकी मां सुभद्रांगी की हत्या कर दी। जब यह खबर अशोक को मिली तो वह निर्वासन त्याग कर राजभवन में आए और सभी 99 सौतेले भाइयों का कत्ल कर डाला तथा अपने सहयोगों और सुशिम से तंग आ चुके लोगों के साथ मिलकर सत्ता बदल दी। कहते हैं कि पटना में आज भी वो कुआं है जहां अशोक ने अपने भाइयों और उनके समर्थक अमात्यों को मारकर फेंक दिया था। उसे अगम कुआं के नाम से जानते हैं। कई इतिहासकार इसे अशोक का गुप्त खजाना रखने की जगह भी कहते हैं। सम्राट अशोक ने सिर्फ तिश्य को छोड़ दिया था, क्योंकि वो उनका छोटा एवं सदोहर भाई था और उसने उनकी बहुत मदद भी की थी। उस समय आंतरिक विद्रोह बहुत बढ़ चुके थे, इसलिए उसने 4 साल तक यानी साल 271 ईसा पूर्व से लेकर 269 ईसा पूर्व तक राज्याभिषेक नहीं किया। और जब सभी विद्रोह शांत कर लिए तब 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ। अशोक को राज्याभिषेक के समय अपनी माँ का वचन याद आया कि बेटा तुम ही एक दिन इस मगध साम्राज्य के सम्राट बनोगे। 262 से 261 ईसा पूर्व की कलिंग पर विजय उनके जीवन में बहुत परिवर्तन लेके आई। हालांकि सम्राट अशोक की सैनिक और असैनिक इकाइयां कलिंग सेना पर भारी पड़ने में सफल रही, लेकिन अनुमानित 1,00,000 सैनिकों और नागरिकों को उग्र युद्ध में मार दिया गया, जिसमें अशोक के 10,000 से अधिक लोग शामिल थे। युद्ध के विनाश और पतन से सैकड़ों हजारों लोग प्रतिकूल रूप से प्रभावित भी हुए थे। जब उन्होंने युद्ध क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से तबाही देखी तो अशोक को पश्चाताप होने लगा। हालांकि तब तक कलिंग का उद्वेष पूरा हो चुका था। उस रक्तपात से आहत होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और युद्ध तथा हिंसा को त्याग दिया। यहां तक कहा जाता है कि बौद्ध सिद्धांतों के अनुसार अशोक पूर्ण रूप से शाकाहारी बन गए, लेकिन कई जगह इस बात का भी उल्लेख देखने को मिलेगा कि वो शुरू से ही शाकाहारी थे। बौद्ध धर्म का अनुसरण करने के बाद उन्होंने एशिया के चारों ओर धर्म प्रचार के लिए भिक्षुओं को भेजा और बौद्ध धर्म को अन्य देशों में फैलाया। सम्राट अशोक के संबंध में प्राप्त अभिलेखों में उसे देवानन प्रिय, प्रियदर्शी एवं राजा आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की तथा गर्जरा के लेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैन जाते समय अशोक विदिशा में रुके, जहां उन्होंने श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह किया, जिससे महेंद्र और संगमित्रा का जन्म हुआ। दिव्यदान में सम्राट अशोक की एक पत्नी का नाम तिश्यरक्षिता मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी का नाम करुणावकी, जो तीवर की माता थी। बौद्ध धम्म में सम्राट अशोक को उपगुप्त ने दीक्षित किया था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संगमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए राजधानी पाटलिपुत्र से श्रीलंका के लिए जलमार्ग से रवाना किया था। पाटलिपुत्र का ऐतिहासिक महेंद्र घाट उसी के नाम पर नामकृत है।
युद्ध से मन उपजाने के बाद भी सम्राट अशोक ने एक बड़ी सेना को बनाए रखा था। ऐसा विदेशी आक्रमण साम्राज्य के पतन को रोकने के लिए आवश्यक था। शासक के रूप में अशोक ने शिकार और हिंसक खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर गर्मिटिया और मजबूरी वाले श्रम को समाप्त करने के लिए अहिंसा के सिद्धांत को लागू कर दिया था। लेकिन सम्राट अशोक ने शांति बनाए रखने के लिए एक बड़ी और शक्तिशाली सेना बना के रखी। सम्राट अशोक ने एशिया और यूरोप के राज्यों के साथ मैत्रीपूर्व संबंध और प्रायोजित बौद्ध मिशनों का विस्तार किया। उन्होंने देश भर में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निर्माण का अभियान भी चलाया। बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने 84,000 चैत्यो स्तूपों का निर्माण किया। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान बनाए गए कई स्तूप आज भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें उल्लेखनीय है सांची स्थित एक स्तूप। लगभग 40 वर्ष तक शांति, सद्भाव और समृद्धि ने अशोक को भारतीय इतिहास में सबसे सफल और प्रसिद्ध सम्राटों में से एक बना दिया। वे आधुनिक भारत में प्रेरणा के एक आदर्श सम्राट बने रहे। सम्राट अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास के सबसे बड़े महान शासक थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया था। सम्राट अशोक का मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश, तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा संपूर्ण बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक के उपरांत मौर्य साम्राज्य के चौथे सम्राट थे कुणाल, जिन्होंने 232 से 228 ईसा पूर्व तक यानी 4 वर्ष तक्षशिला के राज्यपाल के तौर पर शासन किया। कुणाल सम्राट अशोक और रानी पद्मावती के पुत्र थे, जो स्वयं तो खूबसूरत थे, उनकी आंखें भी बहुत खूबसूरत थी, जिससे सम्राट अशोक ने उनका नाम कुणाल रखा था, जिसका अर्थ होता है कमल के समान सुंदर आंखों वाला। सम्राट अशोक के बड़े बेटे कुणाल ही सत्ता के उत्तराधिकारी थे, लेकिन उनकी सौतेली माँ तिक्षरक्षिता ने ईर्ष्या के कारण इनको अंधा कर दिया। कुणाल अपने पिता के शासनकाल में तक्षशिला राज्य के राज्यपाल भी रह चुके थे। उन्होंने लगभग 4 सालों तक मगध राज्य के तक्षशिला प्रांत के राज्यपाल के रूप में शासन किया था। कुणाल भी बहुत ही जनप्रिय शासक थे, लेकिन वो परिवार के आंतरिक कलह और द्वेष के शिकार हो गए थे। मौर्य साम्राज्य के 5वें शासक थे दशरथ मौर्य, जिन्होंने 232 से 224 ईसा पूर्व यानी लगभग 8 वर्ष शासन किया। दशरथ मौर्य अशोक के पोते थे और उनके संदर्भ में कहा जाता है कि इन्होंने अशोक की धार्मिक और सामाजिक नीतियों को जारी रखा। बौद्ध धम्म के कार्य को इन्होंने वैसे ही जारी रखा और संरक्षण दिया। बिहार के जहानाबाद जिले में गया शहर से 24 किलोमीटर पहले 2 जुड़वा पहाड़ियों, एक बार्बर और दूसरी नागार्जुन की गुफाओं में धम्म से संबंधित और मौर्य वंश की धार्मिक नीतियों से संबंधित साक्ष्य को आज भी देखा जा सकता है। दशरथ मौर्य भी सम्राट अशोक की तरह देवानन प्रिय की उपाधि से विभूषित थे। इसका साक्ष्य उपरोक्त गुफाओं में स्थित शिलालेखों पर वर्णित है। दशरथ मौर्य ने बौद्ध धर्म का पालन किया, परंतु इन्होंने भी अपने दादा चक्रवर्ती सम्राट अशोक की भांति सभी धर्मों का सम्मान किया। इनके बाद उनके चचेरे भाई संप्रति ने राजगद्दी संभाली। मौर्य साम्राज्य के 6वें सम्राट थे संप्रति, जिन्होंने 224 से 215 ईसा पूर्व यानी 9 वर्ष तक राजकाज संभाला। यह सम्राट अशोक के अंधे पुत्र कुणाल के पुत्र थे, अर्थात सम्राट अशोक के पौत्र थे और दशरथ मौर्य के सौतेले भाई थे। उन्होंने 9 वर्ष तक मगध राज्य पर शासन किया। संप्रति मौर्य ने अपने शासन काल में अनेकों विहारों का भी निर्माण करवाया। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के 7वें शासक थे शालिसुक मौर्य। शालिसुक ने 215 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व तक लगभग 13 सालों तक का शासन किया। ये संप्रति मौर्य के बाद उत्तराधिकारी के रूप में मौर्य वंश की गद्दी संभालने वाले सम्राट थे। इन्हें झगड़ालू अधर्मी शासक के रूप में देखा गया। इन्हीं के शासनकाल से धीरे धीरे विद्रोहों की आग सुलगनी शुरू हो गई। इनके बाद देववर्मन मौर्य ने शासन संभाला। मौर्य साम्राज्य के 8वें शासक थे देववर्मन, जिन्होंने 202 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व यानी लगभग 7 वर्ष तक शासन किया। देववर्मन मौर्य शालिसुक मौर्य के पुत्र थे। उन्होंने 7 साल तक राज्य किया।
इनके शासन के समय राज्यों में विद्रोह की आग कुछ समय थम सी गई थी, लेकिन इनका शासन दूरगामी नहीं हो पाया। इनके बाद इनके पुत्र शतध्वन राज्य की सत्ता पर काबिज हुए। मौर्य साम्राज्य के नवे शासक थे शतध्वन, जिन्होंने ईस्वीसन पूर्व 195 से 187 ईसा पूर्व यानी 8 वर्ष तक शासन किया। देववर्मन मौर्य के बाद उनके उत्तराधिकारी शतध्वन ने राजगद्दी संभाली। जो विद्रोह देववर्मन मौर्य के समय में थम गए थे, वो इनके शासनकाल में फिर से मुखर हो गए। प्रशासनिक विफलताएं बढ़ती गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने अपने कुछ प्रदेशों को युद्ध के दौरान खो दिया। लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। मौर्य साम्राज्य के 10वें और आखिरी शासक थे बृहद्रथ, जिन्होंने 187 से 185 ईसा पूर्व सिर्फ 2 वर्ष का शासन किया। यह शतध्वन के पुत्र थे, जो गिरती हुई शासन व्यवस्था के समय टूटे हुए मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी संभाले। इस समय कई राज्यों में विद्रोह की आग फैल गई थी, जिस पर यह काबू नहीं कर सके। ये वो काल था जब प्रतिक्रांति हावी हो गई थी और मौर्य साम्राज्य के खिलाफ ब्राह्मण षड्यंत्र कर रहे थे। इनके सेना का सेनापति था पुष्यमित्र श्रृंग। राज्य में उठ रहे विद्रोह के संदर्भ में मगध सेना की बृहद्रथ मौर्य के साथ समीक्षा बैठक चल रही थी। उस समीक्षा बैठक में किसी अतार्किक बात को लेकर ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र श्रृंग ने तलवार निकाली और बृहद्रथ की हत्या कर दी। उसी समय अपने आप को मगध का सम्राट घोषित कर दिया। इन्होंने सिर्फ 2 साल ही मगध पर शासन किया था और यही से श्रृंग वंश की शुरुआत हुई थी। इतिहास में अगर हम देखते हैं तो मौर्य वंश का प्रशासनिक प्रबंधन जो आज भी आदर्श है, जिसे सम्राट अशोक ने और भी पुख्ता किया था। आज जिस नगर परिषद को हम देखते हैं, इस नगर परिषद का गठन भी इसी काल में शुरू किया गया था, जिसके द्वारा जन कल्याण के कार्य करने के लिए अधिकारियों की नियुक्तियां भी की जाती थी, जैसे शिक्षा संस्थाएं, चिकित्सालय, बाजार, देवालय, सड़क, जलपूर्ति, बंदरगाह की मरम्मत तथा आदि प्रबंधन भी किए जाते थे। अशोक काल में नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक कहलाता था। नगर प्रशासन में कई विभागों का भी उल्लेख इतिहास में आता है, जो नगर के कई कार्यकलापों को नियमित करते थे, जैसे रथ विभाग, सीमा शुल्क, लेखा विभाग, राजस्व विभाग, खान तथा खनिज विभाग, कर विभाग। इस साम्राज्य के समय एक और बात जो अखंड भारत में अभूतपूर्व थी, वो थी मौर्य का गुप्तचर यानी जासूसी का जाल, जो पूरी दुनिया में बिछा हुआ था। ये गुप्तचरों का ऐसा जाल था जो राज्य पर किसी बाहरी अतिक्रमण या आंतरिक विद्रोह की खबर प्रशासन तथा सेना तक पहुंचाता था। भारत में सर्वप्रथम मौर्य वंश के शासन काल में ही राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सुदृढ़ केंद्रीयकरण था, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। राज्य सप्तांक सिद्धांत, जिसमें राजा, अमाप्त जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र शामिल थे, इनको निर्दिष्ट किया गया था, जिसके आधार पर मौर्य प्रशासन और उसकी गृह तथा विदेश नीति संचालित होती थी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य शासन की नागरीय प्रशासन 6 समितियों में विभक्त थी। प्रथम समिति थी उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करती थी। तृतीय समिति जनगणना करती थी। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य की व्यवस्था देखती थी। पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था तथा उसका निरीक्षण करती थी और षष्ठ समिति बिक्री और कर की व्यवस्था देखती थी। वैसे देखा जाए तो संपूर्ण विश्व के प्रजातांत्रिक इतिहास में यह पहली बार हुआ जब नगरों में अनुशासन बनाए रखने तथा अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस व्यवस्था भी थी, जिसे रक्षित कहा जाता था। अतः हम यह कह सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था मौर्य वंश की ही देन है। यूनानी स्रोतों से भी यह ज्ञात होता है कि नगर प्रशासन में 3 प्रकार के अधिकारी होते थे, एग्रोनोटोई यानी जिलाधिकारी, एंटीनोमोई यानी नगर आयुक्त और सैन्य अधिकारी। तो वो मौर्य साम्राज्य ही था जिसने टुकड़ों में बटे भारत की भूमि को एकत्र किया, एक संग किया और सही मायने में इसे भारत देश बनाया, जिसका श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, बिंबिसार से हर्षवर्धन तक को जाता है। ये सारे बौद्ध सम्राट थे और धम्म मार्ग पर राज्य को चलाते थे। लेकिन
इतिहासकारों ने जो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित थे उन्होंने इन महान राजाओं को इतिहास से दरकिनार कर दिया, काल्पनिक और नकली सवर्ण राजाओं को इतिहास में प्रस्तापित किया और भारत के स्वर्णिम इतिहास को छुपा दिया। प्रियदर्शी सम्राट अशोक जयंती के पर्व पर हम इन्हीं सभी शूर महान बौद्ध सम्राटों को विनम्र अभिवादन करते हैं।